खातन हज़रा सूरा बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरः है इस सूरा में अल्लाह ताली ने अहल किताब पर पहले इतमाम हजत किया है फिर उसके बाद ये बताया है कि अब उनकी जगह एक नई उम्मत की तसीस की जा रही है बनी इसमाइल में से यानी रसालत माँ आप वम की बेसत जिन लोगों में हुई वो दरहक़ीक़त सैदना इब्राहिमी की औलाद हैं और जिस तरह बनी इसराइल उनकी औलाद थे इसी तरह से बनी इस्माइल भी उन्हीं की औलाद हैं तो ये शुरा हमको ये बताती है कि उनके अंदर से एक नई उम्मत की तासीस की जा रही है और फिर इस शुरा में आखिर तक उस नई उम्मत को उसके फ़्राइज बताए जा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये मनसब उसको हासिल हुआ है ये शहादत हक़ का मनसब है अब उसने दुनिया के सामने हक़ की गवाही देनी है चुनाचे उसको किस शरीयत का पाबंद होना चाहिए किन अखलाक आदाब का पाबंद होना चाहिए दीन की रूह को उसे कैसे समझना चाहिए अपना तस्की और अपनी तथहर कैसे करनी चाहिए अपने आप को कैसे पाकिज़ा बनाना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार करना चाहिए जो इस मनसब के लिहाज से उस पर डाली जा रही हैं इस सुरा में पहले एक तमहीद है और इस तमहीद के बाद फिर या बनी इसराइल से असल खिताब शुरू हो जाता है कुरान मजीद का उसलूब यह है कि इसमें आम तौर पर ये मुतन करना पड़ता है कि किस को मुखातब करके इस सूरा में अल्लाह ताला इंसानियत से हम कलाम हुए हैं बाज जगहों पर ये खिताब मशीन अरब से है यानी बनी इस्माइल से है बाज़ मकाम पर यह खिताब बनी इसराइल से है बाज़ मकाम पर यह खिताब उन मुसलमानों से है जो अब ईमान की नहमत से बैरियाब हो चुके हैं और रसालत में आप के साथ वो दीन की अकामत की जद्द जुद कर रहे हैं इस सूरा में भी बिल्कुल यही तरीका इख्तियार किया गया है यानी पहले एक तमहीद में बुनियादी मबास की तरफ तवज्जो दिलाई गई है फिर उसके बाद बतदरीज कलाम आगे बढ़ा है और फिर बराए रास्त अहले किताब को मुखातब करके उन पर अल्लाह की हजत पूरी की गई है और फिर कलाम का रुख आहिस्ता आहिस्ता अहले ईमान की तरफ मुसलमानों की तरफ या बनी इस्माइल की तरफ मुड़ता जा रहा है और उन्हें यह बताया जा रहा है कि अब तुम इस मनसब पर फायज़ हुए हो कि तुम दुनिया के सामने हक़ की गवाही देने वाले बनो लिहाजा अपने आप को इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार करो खुदा की शरीयत को समझो और उसके अलमबरदार बनकर दुनिया में ज़िंदगी बसर करो इस सरा की इब्तः अलिफ लाभ मीम से होती है ये शूरा का नाम है कुरान मजीद में बहुत सी सूरतों के नाम इसी तरीके से रखे गए हैं इसका तर्जुमा अगर हम करें तो वह ये होगा कि ये सूर अलिफ लाम मीम है ये अलिफ मीम इसी तरह अलफलाम रा इसी तरह नून इसी तरह काफ़ सूरतों के नाम की हैसियत से हरूफ मु की सूरत में आए हैं हरूफ मुत्त का मतलब ये है कि इन में अलिफ़ अलग है लाम अलग है मीम अलग है इनका मुद्दा और इनका मफहम क्या है इस पर लोगों ने बहुत कुछ कलाम किया है अगर अगरचि ये नाम है और जब किसी चीज़ का नाम रख दिया जाता है तो उसमें इस चीज़ की अहमियत नहीं होती कि उसका मुद्दा और मफहम क्या है हम ज़मीन को ज़मीन कहते हैं आसमान को आसमान कहते हैं जाहिर है कि ये नाम भी किसी मानवीय की बुनियाद पर रखे गए हैं लेकिन बुलमूम इनके मतलब हजस्स में नहीं पढ़ते कि इनका मफ़ूम क्या है बल्कि उनके मसदाक को देखते हैं जिस चीज़ का नाम रखा गया है ताहम चूँकि ये कुरान मजीद है और अल्लाह तला ने यह नाम किसी मानवीत की बुनियादी पर रखे हैं चुनाचे अहल इलम इस पर ग़ौर करते रहते हैं मेरे नज़दीक इसमें सबसे ज़्यादा करीन क्यास नुक़ः नज़र बर्रग़ीर के एक जलीलर आलम इमाम हमीदुद्दीन फ़राही का है वो ये कहते हैं कि अरबी ज़ुबान के जो हरूफ़ तहजी हैं अल्फ़ाबेट्स हैं ये इब्रानी ज़ुबान से आए हैं और इब्रानी ज़ुबान में जितने भी इस तरह के हरूफ तहजी हैं वो किसी न किसी चीज़ का नाम होते हैं चनाचे जिस तरह कुरानी में उसकी मिसाल मौजूद है कि नून मछली का नाम है और ये उसी सूरत में लिखा भी जाता था लिसानियात के जितने माहरीन हैं वो इस बात से इतफ़ाक़ करते हैं कि फिलवा के हरूफ़ तहजी इसी तरीके से वजूद पजीर हुए अब भी चीनी ज़ुबान में और बाद दूसरी जुबानों में ये अशिया ही के नाम हैं चुनाच इसी बुनियाद के ऊपर सूरा में जो नुमायाँ चीज़ें होती हैं उनसे ये नाम सूरतों के नामों की हैसियत से रख दिए गए हैं तो ये सूर अलफलाम मीम है जाल कल किताब लार बफ़ी ये किताब इलाही है जालकताब एक पूरा जुमला है इसका मतलब ये है कि ये वो किताब है जिसका वादा किया गया था जो अल्लाह की तरफ़ से नाजिल होनी थी चूँकि इस शुरा में अहले किताब मुखातब हैं तो ज़ाहिर है कि वो इस किताब से भी वाकिफ़ हैं ये बात जानते हैं कि एक किताब के नाजिल होने का अल्लाह ने वादा किया था और हम ये जान चुके हैं कि जिस वक्त रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई तौरात में की गई तो उसमें ख़ास तौर पर ये अल्फाज कहे गए थे कि अल्लाह अपना कलाम उस पैगम्बर के मुँह में डालेगा चुनाच अहले किताब मुंतज़र थे कि एक किताब नाजिल होगी और वो उन्हें आखिरी दर्जे में हक़ बताएगी उनके पास अहदनामा कदीम भी था अहदनामा जदीद भी था वो खुदा के आखिरी अहदनामे के नजूल के मुंतज़र थे चुनाचे इसी हैसियत से ये किताब नाजिल हुई कुरान मजीद ने ये बात आगे चल कर बयान की है कि इस किताब के बारे में तो इनका आलम यह है कि यार फूना हु कमाए यार फूना अबना हम ये इस किताब को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह एक बाप अपने महजूर बेटे को पहचानता है तो इरशाद फरमाया कि ये किताब इलाही है ला बफ़ी ये फिर एक पूरा जुमला है यानी इसकी किताब इलाही होने में कोई शुभ नहीं है ये ला रैब किताब इलाही है ये जाहिर है कि उनको मुखातब करके झंझोड़ा गया है कि तुम जिस किताब का इंतज़ार कर रहे थे ये किताब अल्लाह की तरफ़ से आ गई है और इस किताब को अल्लाह ही नाजिल किया है और ये किताब अपने मज़मून के लिहाज से अपने पस मंज़र के लिहाज से अपनी तारीख़ के लिहाज से अपने बारे में पेशिनगोई के लिहाज से गोया इस बात की वो बोल कर शहादत दे रही है कि ये खुदाई की किताब है इसमें कोई शुभा नहीं है हदल्लमुतकीम हदायत है इन खुदा से डरने वालों के लिए ज़ाहिर है कि उस वक्त इस किताब को बहुत से लोग मान चुके हैं सूर्य बकरा के नजूल के ज़माने तक वो लोग बिल्कुल नुमाया हो चुके हैं जिन्होंने पैगम्बर की दावत को कबूल किया इस किताब पर ईमान लाए और इसके मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया तो इरशाद फरमाया कि ये हिदायत है अहल तकवा के लिए हिदायत इन खुदा से डरने वालों के लिए गोया यूँ समझिए कि एक पूरी जमात सामने मौजूद है उसकी तरफ इशारा करके ये कहा है कि ये किताब नाजिल हुई है तो इस तरह इनके लिए हिदायत बन गई है हिदायत के दो दर्जे हैं एक हिदायत तो वो है कि जो अल्लाह ताला हमारी फितरत में वदियत करता है हर इंसान को दी गई है फिर जो लोग उस हिदायत की कदर करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला अपने नबियों के ज़रिए से हिदायत उतारते हैं चुनाच अल्लाह ने यह वादा किया है आगे इसी शुरा में ज़ेर बहस आएगा कि जब हमने आदम को दुनिया में भेजा तो उससे ये वादा किया कि वक्तन फ़क्ता हमारी हिदायत नाजिल होती रहेगी वो जो पहली हिदायत है जो हमारी फितरत में वदियत की गई है वो ज़ाहिर है कि एक इजमाली हिदायत है यानी उसमें ख़ुदा का शूर है उसमें एक खालिक का शौर है उसमें हमारे बंदे होने का शौर है उसमें खैर व शर का शौर है लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी नौीय बिल्कुल इजमाल की सी है फिर उसके बाद उस हिदायत का शौर बेदार करने के लिए उसके लवाज़िम और तकाज़े बताने के लिए अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को भेजते हैं और उनके ज़रिए से वो हिदायत की मज़ीद वजाहत करते हैं ये दूसरी हिदायत है जो यहाँ जेर बहस है चुनाच इस हिदायत के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी के अंदर खुदा तरसी हो वो खुदा के खुदा होने का एहसास करता हो वो हिदायत जो उसकी फ़ितरत में दी गई वो हिदायत जो अम्बिया के ज़रिए से उसको मिलती रही उसके पूरे पस मंज़र में ज़ाहिर बात है कि कुरान नाजिल हुआ है तो वो ये कहता है कि ये खुदा से डरने वाले थे इनके अंदर सरकशी नहीं थी ये खुदाई की तरफ रजू करने वाले थे ये इसके मंतज़र थे कि इनको हिदायत मिले जिस तरह के सरा फातिहा की दुआ से मालूम होता है तो ये लोग हैं कि जिनके लिए ये किताब एक हिदायत बनकर नाजिल हुई है और यहाँ हिदायत अपने आखिरी मानी में है गोया अब ये किताब उनके सामने उस शौर को बेदार करेगी जो उनकी फितरत में वदीयत है ये जो कुछ पहले उनके पास रवायत मौजूद है दीन की उसकी गलतियाँ वाजहे करेगी ये सरात मुस्तकीम को नुमाया करेगी ये उन्हें नूर देगी यह उन्हें बसरत देगी ये ये उनके दिलो दिमाग को खोलेगी ये उनके सामने हकीकत को आखिरी दर्जे में वाजे करेगी ये उनके लिए एक फ़ुरकान बनेगी एक मीज़ान बनेगी एक कसौटी बनेगी वो इस हिदायत को पाएंगे और इसके ज़रिए से फिर वो अपने तमाम मामला को दुरुस्त करेंगे ये इस तरह सरात मुस्तकीम बताएगी कि जिसके बाद कोई कज पेच इसमें बाकी नहीं रहेगा तो इरशाद फरमाया कि ये इस दर्जे की हिदायत है लेकिन इससे फ़ायदा कौन उठा रहे हैं वो ये खुदा से डरने वाले हैं इसमें गोया तारीस है यहूद की तरफ कि इन लोगों ने चूँकि खुदा तरसी अपने अंदर से ख़त्म कर दी तो इस वजह से ये उस हिदायत से भी महरूम हुए जो इनके पास पहले मौजूद थी और अब जो हिदायत आई है उससे भी फैज़ याब होने के लिए तैयार नहीं है फिर उसके बाद जिन लोगों ने हिदायत पाई थी उनकी खसूसियात को बिल्कुल नुमाया कर दिया गया एक तस्वीर सामने रख दी कि जिन लोगों के अंदर खुदा का खौफ था जो खुदा की बात सुनने के लिए तैयार थे जिनके अंदर तकवा था तकवा गोया क्या चीज़ है तकवे का मतलब ये है कि नफ्स को बेलगाम नहीं छोड़ा था उन्होंने बल्कि जो बात उनकी समझ में आती थी अक़ल के मुताबिक उसके हदूद मुतन करते थे और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार होते थे पहले जो खुदा ने उनको दिया था वो उसमें चोर नहीं साबित हुए जैसे सैदना मसी आम ने फरमाया कि जो धीले में चोर है उसको अशरफ़ी की अमानत किस तरह दी जा सकती है तो जिन लोगों ने उस धेले में ख़ानत नहीं की थी जो कुछ खुदा ने दिया था उसका हक़ अदा किया था और ख़ुदा तरसी की नेमत के साथ दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे थे फ़रमाया कि उनके लिए ये हदायत है और ये हिदायत वो है कि अब जब इन लोगों ने इसको कबूल कर लिया है तो उनकी ज़िंदगी में इस तरह नमदार हो रही है कि अल्ज़ी जो अमिन गैब यानी ये लोग हैं कि अब ये बिन देखे मान रहे हैं यो मू बिल गैब यानी इस बात पर इसर नहीं करते कि हमें हकायक को आँखों से दिखाया जाएगा तो तब हम मानेंगे बल्कि ये गैब में रहते हुए ना देखते हुए महज अपनी अकल से महज अपने शूर से उन दलाइल से कि जो इंसानियत का शरफ़ है हकीकत को मान रहे हैं इसका बाद लोग ये गलत पफहोम बयान करते हैं कि कुरान इस बात का तकाजा करता है कि आदमी गोया बेसोचे समझे मान ले ये बेसोचे समझे मानना नहीं है ये बिन देखे मानना है यहूद ने चूँकि इशार किया जैसे कि आगे मालूम होगा कि अरे नल्ला जहरा हमें आप खुदा को आँखों से दिखाइए उस वक्त हम मानेंगे इस वजह से कुर मजीद ने यह बताया कि ये खुदा के वो बंदे हैं कि इनके पास जब हिदायत आई तो चूँकि ये सरकश नहीं थे इनके अंदर तकवा था हदूद का एहसास था इस वजह से उसका नतीजा ये निकला है कि इन्होंने बिन देखे मान लिया यानी इस पर इसरार नहीं किया जिस तरह के बाद लोग करते हैं कि खुदा को देखेंगे तो मानेंगे आख़रत को देखेंगे तो मानेंगे फरमाया कि इंसान का तो असली शरफ़ यही है कि वह अपनी अक़ल से हकायक को समझे और उसके बाद उनको तस्लीम करे गोया योमन बिलगैब के मानी ये हैं कि जो अपनी अक़ल के तकाजों को समझते हैं और फिर उसके नतीजे में खुदा को आखरत को और उन हक़ायक को मान लेते हैं जिनकी अम्बिया तालीम देते हैं इस पर असरार नहीं करते आँखों से देखेंगे वह यकीम और नमाज का एहतमाम करते हैं ये दीन का ज़ाहिर है कि अवलिन हुक्म है और ये मालूम होता है कुरान मजीद से कि जब भी दीन की दावत अम्बिया ने दी सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ तोज्जो दिलाई वो यही थी कि खुदा का हक अदा किया जाए और खुदा का हक़ क्या है ख़ुदा के साथ मोहब्बत का हक क्या है ख़ुदा के साथ तल्लुक़ का हक क्या है ये कि इंसान अपने आजाव जवारे से अपने परवरदिगार के सामने झुक जाए नमाज असल में उन आमाल का नाम है जो हम रुकू और सजूद की सूरत में अदा करते हैं ये गोया इस बात का एतराफ़ है कि हम बंदे हैं और हम सरकश नहीं हैं और परवरदिगार की तरफ से जब आवाज़ आती है हम उसके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके लिए एक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मफहम यह है कि वह नमाज पर ना सिर्फ़ ये कि दवाम इख्तियार करते हैं उसकी हिफाजत करते हैं बल्कि उसकी एक एक चीज़ को मलहूज रखते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वह अपने खुदा के साथ मोहब्बत के इस तल्लुक़ को कमज़ोर ना होने दें इकामत सलात करते हैं नमाज का अहतमाम करते हैं आप अगर उर्दू ज़बान में इसको अदा करें तो आप कह सकते हैं कि वो नमाज को पूरे अहतमाम के साथ अदा करते हैं इसको अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं अपना रोज़मर्रा का शक्ल बना लेते हैं और हमेशा नमाज की तरफ़ उनका रजू गया उनके परवरदिगार की तरफ उनके रजू की सूरत इख्तियार कर लेता है तमाम अम्बिया की तालीमत में इसकी यही हैसियत हासिल रही है कुरान मजीद में जगह जगह ये बयान किया गया है कि जिन पैगंबरों को भी खुदा की हिदायत मिली सबसे पहली हिदायत उनको यही हुई कि नमाज का एहतमाम करें मम्मा रदकना हम युनफिकून और जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको दिया है उसमें से उसकी राह में ख़र्च करते हैं ये जाहिर है कि दूसरा बड़ा हुक्म है चनाचे इंजील में भी आता है मत् की इंजील में है कि सैदना मसीह से जब एक आलम शरा ने उनका इम्तहान करने की गरज से ये पूछा कि तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से महब्बत रख और फरमाया कि बड़ा और पहला हुक्म यही है और इसके बाद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत रख चुनाचे ये दोनों हुक्म हैं जिनके ऊपर गोया पूरे दिन की बिना क़ायम की गई है उसके बाद इरशाद हुआ कि वजी मिनिमा उंजिला और वीज़ों को बांधते हैं जो ए पैगम्बर आप पर नाजिल की गईं व माँ अन कब्लिक और जो आपसे पहले नाजिल की गई और आखिरत पर सच्चाई यकीन रखते हैं ये गोया यूँ समझ लीजिए कि पहला पैराग्राफ है जिसका ख़ात्मा इस पर हुआ है कि उलाय का हद्मब व उलाय कामफल हूँ कि यही लोग हैं जो हमेशा से हिदायत पर चले आ रहे हैं और यही है कि जो अपने परवरदिगार के नज़दीक फला पाएंगे हम यहाँ इसका सादा तर्जुमा आपके सामने रखेंगे और उसके बाद अगली नशस्त में इसके अंदर जो अहम मबास हैं उनकी शर वजाहत करेंगे इसका तर्जमा ये है ये सुरफ़ मीम है ये किताब इलाही है इसमें कोई शुबा नहीं है पैगम्बर हिदायत है इन खुदा से डरने वालों के लिए ये जो बिन देखे मानते हैं और नमाज का अहमाम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं और ये जो उसे भी मानते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया और उसे भी जो तुम से पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर फिलवा के यकीन रखते हैं यही हैं जो हमेशा से हदायत पर रहे हैं और यही हैं जो अब भी फला पाने वाले होंगे अकूल और कौलिहाज़ा बस्तफरकु